मनुख दे अंदर चिंता है, किस गल दी? ए काम होना चाहिए किधरे ऐसा ना होवे, ना होवे चिंता। ऐसा नहीं होना चाहिए किधरे ऐसा ना होवे कि हो जाए तो चिंता। चिंता इसे गल दी है, चिंता एक बोझ है, चिंता एक तनाव है। और धार्मिक ज्ञानी कहते चिंता मनुख की सोच शक्ति दे विकास नु भी रोकती है। चिंता चिंतन विच दीवार खड़ा कर देती है, सिमरन विच दीवार खड़ा कर देती है। चिंता अनेक तरह के मानसिक रोगों नु जन्म देती है, मानसिक रोग अनेक तरह के शरीरक रोगों नु जन्म देते हैं। पर महाराज कहते मैं देखता हाँ, चिंतत ही दिसे सब कोय, सब कोय, सब कोय दे मेरा सारी चिंता सारे नू है, सब चिंता दे बोझ थले ने। किस चीज की चिंता मैं फिर खुलासा करा, ऐसा होना चाहिए किधरे ऐसा ना होवे कि ना होवे चिंता। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए किधरे ऐसा ना होवे घट जाए चिंता। बस इस चीज की चिंता, ये नहीं होना चाहिए पर किधरे ऐसा ना होवे हो जाए चिंता। ऐसा होना चाहिए पर किधरे ऐसा ना होवे ना होवे चिंता। जब तुसी चिंता दी तह दिच जाओगे तो इन्नी गल है और कुछ नहीं। जो मेरी चाहत है वो पूरी होनी चाहिए है, किधरे ऐसा ना होवे ना पूरी होवे चिंता। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए किधरे ऐसा ना होवे घट जाए चिंता। बस चिंता दे यही कारण है। तो कितने मनुख चिंता तुरने, गुरु अर्जन देव जी कहते सारी चिंता तुरने। चिंतत ही दिसे सब कोय, कोई कबूल करे ना करे, कोई मने ना मने, छोटी वड्डी भयंकर चिंता हर एक नु है। चिंता मानसिक बोझ है, चिंता मानसिक तनाव है। चिंता चिंतन विच बाधा खड़ी कर देती है, सिमरन विच दीवार है। या इंज कह लो परमात्मा ते मनुख दे विचकार अगर कोई दीवार है तो चिंता। चिंतन ते चिंता मनुख दे मथे ते प्रगट होंदा है, अखां विच प्रगट होंदी। ये जो सतगुरु कहते सारी चिंता तुरने, किस तरह देखे आवेगा? मथे देखे आने, अखां देखी आने। चिंतत ही दिसे सब कोय। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते ने चिंता ते तां कर जे कुछ अनहोनी होवे, ते अनहोनी होंदी नहीं। ऐ अर्थ मैं थोड़े सामने रखन लगा। चिंता ताकी की जी, अच्छा कर चिंता जो अनहोनी हो, जेकर अनहोनी होवे तो सतगुरु ये कह रहे ने अनहोनी ते होंदी नहीं। इस पंक्ति दे अर्थ ये ने अनहोनी नहीं होंदी, होनहार ही होंदा है, होनी ही होंदी है, अनहोनी कुछ नहीं होंदी। पर मनुख कहिंदा मेरे नाल किधरे अनहोनी ना हो जाए, अनहोनी जो नहीं होना चाहिए किधरे हो ना जाए। तो महाराज कहिंदे जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होंदा, होंदा ही नहीं।
जो होना चाहिए वो ही होता है। जैसे एक दो उदाहरण दें, एक जवान कहता है मेरे ते बुढ़ेपा नहीं आना चाहिए, ये अनहोनी खेल है, नहीं आना चाहिए, कम से कम मेरे ते बुढ़ेपा नहीं आना चाहिए। पर उन्हें कौन दसे बुढ़ेपा ते होना है, ये ते होनी है। होनी नू तो अनहोनी नहीं कर सकता, ते अनहोनी नू तो होनी भी नहीं कर सकता। थोड़ी जी एकाग्रता बख्शो गे, मनुख अपनी समर्था दे नाल होनी नू अनहोनी नहीं कर सकता। मनुख अपनी किसी भी शक्ति दे नाल अनहोनी नू होनी नहीं कर सकता, होनी नू अनहोनी नहीं कर सकता। तो महाराज कहते हैं किसकी चिंता, चिंता तां की कीजिए, चिंता ते तू तां कर जो अनहोनी हो। जेकर अनहोनी हो अनहोनी ते होंदी नहीं, होंदी नहीं। जन्म होया है किधरे मरण ना हो जाए। उन्हें सरदार इकबाल सिंह दे साहबजादे ने दसिया बई असी अज पिता दी बरसी मना रहे हैं, ते उस संबंध च असी आए हैं सारे। मैं ठीक है, रोज दे सत्संगी सन, चलो मैनू जो ख्याल मिले ने मैं सरदार ते ही कुछ कहांगा। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे इस श्लोक नो विचार दा आधार बना के, चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, एह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो किधरे अनहोनी हो जाए ते चिंता कर, ते महाराज कहते अनहोनी ते होंदी नहीं। जन्म होया है होनी सी, पर मनुख कहता है किधरे मरण दी अनहोनी ना हो जाए, तो मरण अनहोनी नहीं होनी है, मौत होनी है, अनहोनी नहीं है। जवानी होई है, आई है, किधरे बुढ़ेपे दी अनहोनी ना हो जाए, तो बुढ़ेपा अनहोनी नहीं होनी है, होनी है, अनहोनी नहीं है। सुख मिले होया होया, किधरे दुखां दी अनहोनी ना हो जाए, तो मैं फिर अर्ज करा अनहोनी नहीं होंदी, होंदी नहीं। तां तो चिंता कर जे अनहोनी होवे, जो होवा होवत सो जाने, जो होया इते होना है।